नामांकन करते हुए नजर आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और वहां पर जो शपथ है वो वहां पर देखिए कहा जाए पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ये तस्वीरें लखनऊ के जिलाधिकारी आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं, सूर्यपाल गंगवार जो कि निर्वाचन अधिकारी हैं, और वहां पर उनके समक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सभी खड़े होकर नामांकन करते हुए उनके सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं। लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़ा चेहरा, हालांकि भले ही लो प्रोफाइल रहते हो लेकिन बड़ी संख्या में देखिए जो समर्थक है वो वहां पर उनके हमेशा से ही मौजूद रहते हैं, और लखनऊ के चप्पे चप्पे पर कार्य करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जो समर्थक हैं वो मौजूद रहते हैं। एक बार फिर से उनको लखनऊ से उन पर भरोसा जताया गया है। आज उनका नामांकन कार्यक्रम, और नामांकन करते हुए ये राजनाथ सिंह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं, और साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहां पर पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, और लखनऊ के जिलाधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं उनके समक्ष नामांकन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ से नामांकन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। और सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद हैं, और देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहां पर मौजूद हैं। तो कुल 5 लोगों के साथ जाने की परमिशन, जिस तरह से कहा जाए कि जो नियम बनाए गए हैं, और वहां पर 5 लोग मौजूद हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। देखिए लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन करते हुए यहाँ पर सूर्यपाल गंगवार आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी लखनऊ के जिलाधिकारी, और उनके समक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये नामांकन तस्वीरें आप देखिए, बेहद दिलचस्प ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जब वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सामने खड़े होकर यहाँ पर जो नामांकन की प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए, और इससे पहले उन्होंने जो एक शपथ पत्र है उसको पढ़ते हुए वो नजर आए हैं। तो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो तमाम जो दिग्गज हैं वो इस रोड शो में शामिल हुए थे, और नामांकन की प्रक्रिया अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं, और जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार के सामने नामांकन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर के बाद नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी, और देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक बार फिर से मैदान में उतारा है उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, क्योंकि लगातार वो यहाँ से जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं। और अब देखिए बीजेपी के जो प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी भी आपको वहां पर नजर आ रहे हैं, और सुधांशु त्रिवेदी भी पहुंचे हुए हैं अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पर। तो जो नामांकन की प्रक्रिया है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नामांकन करते हुए लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वहां पर सुधांशु त्रिवेदी भी आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए राज्यसभा इनको भेजा गया था, उत्तर प्रदेश से ही इनको राज्यसभा भेजा गया, और ये तस्वीरें अब वहां पर पहुंचे हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन कार्यक्रम में। तो तमाम दिग्गज आपको नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन की प्रक्रिया ये चल रही है, जहां पर आप देखिए आप जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो उनके सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और तमाम जो पत्र हैं वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, और जो नामांकन की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है, संदीप हमारे सहयोगी जुड़े हुए, संदीप तस्वीरें देखिए सामने आ रही है, नामांकन की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और तमाम जो प्रपत्र है उनकी जांच करते हुए यहाँ पर
जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके सामने सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है नामांकन की प्रक्रिया जो चल रही है इसको लेकर? देखिए बिल्कुल शांतनु, जिस तरीके से आज नामांकन के पहले जुलूस निकाला गया, सभी ने देखा हजारों की मात्रा में लोग वहां पर मौजूद रहे। अब देखिए राजनाथ सिंह अब नामांकन कर रहे हैं, उन कागजों की जांच हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, पुष्कर सिंह लिखित धामी मौजूद हैं, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है। यानी नामांकन की प्रक्रिया मुझे लगता है बस कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ की जो सड़कें हैं आज राजनाथ सिंह के समर्थन नामांकन के दौरान जिस तरीके से भरी रही हैं, तो ये एक उत्साह देखिए बता रहा है कि इस बार जो राजनाथ सिंह की जो जीत का आंकड़ा है वो, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि 5 लाख से ज्यादा जो वोट है उनसे राजनाथ सिंह जीतेंगे, लेकिन ये परिणाम सामने आएंगे। लेकिन आज नामांकन का जो पूरा एक कार्यक्रम था मुझे लगता है वो बहुत ही शानदार तरीके से हुआ, किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें नहीं हुई। और राजनाथ सिंह अब इस समय कलेक्ट्रेट में ही मौजूद हैं, सभी लोग उनके साथ मौजूद हैं, हालांकि दोनों उप मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं, विधायक राजेश्वर सिंह हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, मेयर जो है सुषमा खरकवाल, सभी लोग वहां पर मौजूद है। और इस दौरान देखिए कलेक्ट्रेट के बाहर अभी भी हजारों की मात्रा में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रैफिक जो डायवर्जन है वो यहाँ पर किया गया है। और अब राजनाथ सिंह अपना नामांकन करके जब बाहर निकलेंगे तो ये बताया जा रहा है कि वो बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि भीड़ देखिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है, कार्यकर्ताओं की भीड़ भी है, मीडिया कर्मियों की भीड़ भी है। और जिस तरीके से देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह के साथ जब रथ पर सवार थे तो उनके चेहरे की भी देखिए जो एक खुशी है वो देखी जा रही थी, लगातार हाथों में कमल का जो एक साइन लिए और उसी की तरह साथ साथ दूसरे हाथों में विक्ट्री का जो साइन बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो हैं वो मौजूद रहे। और देखिए राजनाथ सिंह की लोकप्रियता का देखिए अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हजारों की मात्रा में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं, तमाम जो बाहर बाहर के लोग यहाँ पर पहुंचे, और इन कार्यकर्ताओं में भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और उसी के साथ साथ जो एक आम जन है यानी जो व्यापारी हैं, जो दूसरे समाज के लोग हैं। आपने देखा कि मंकामेश्वर मंदिर की जो महंत देव्यागिरी वो भी यहाँ पर पहुंचे। अब देखिए चुनौती है क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि 1 या 3 मई को देखिए जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं रविदास मेहरोत्रा वो भी अपना देखिए नामांकन करेंगे। तो देखिए चुनौती जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना यह है कि कुछ भी नहीं है, राजनाथ सिंह एक तरफा और लगभग 5 लाख के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अब नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। राजनाथ सिंह का नामांकन मुझे लगता है कि बस कुछ ही मिनटों में जो है वो पूरा हो जाएगा, इसके बाद फिर से वो जहां से निकलेंगे और तमाम जो कह सकते हैं कि सभी जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो साथ में, और जो एकाएक विकास रथ था वो कलेक्ट्रेट के बाहर ही खड़ा किया गया है, तमाम जो पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ पर मौजूद है और सभी लोग देखिए तैयारियों में लगे हैं, क्योंकि आज देखिए आपको भी पता है कि किस तरीके से अमेठी में स्मृति ईरानी ने भी नामांकन किया, यानी दो दिग्गजों ने आज नामांकन किया है, क्योंकि वहां पर प्रत्याशी का ना होना और यहाँ पर जिस तरीके से देखिए एक तरफा जिस तरीके से जो एक तस्वीर सामने नजर आ रही है शांतनु वो बहुत कुछ दर्शा रही है, लोगों का हुजूम है, तमाम यहाँ पे कह सकते हैं कि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ढोल है, नगाड़े हैं, तमाम जो है वो यहाँ पर एक तरीके से आज एक रोड शो का एक भव्य रोड शो और ऐसी ही देखिए कल्पना की गई थी, इस तरीके की यहाँ पर तैयारियां भी की गई थी। अब राजनाथ सिंह देखिए अंदर मौजूद हैं और कुछ ही देर में वो बस अब बाहर निकलने वाले हैं। बिल्कुल, और नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने जो नामांकन की प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यहां पर नामांकन की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ये देखिए तस्वीरें, कहा जाए कि एक तरह से औपचारिक जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर सामने आ रही हैं नामांकन पत्र सौंपते हुए और पत्रों की जांच, और उसके बाद जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और कुछ ही देर में जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। तमाम प्रस्तावक भी कहा जाए उनके साथ में मौजूद है संदीप, और पूरी प्रक्रिया अब धीरे धीरे कहा जाए कि जो फाइनल स्टेज है वहां पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नामांकन पत्रों पर तमाम जगह पर जहां पर
हस्ताक्षर वगैरह जो करना होता है वो किया है और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और नामांकन पत्र उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा है। और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो उन्होंने नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद है। और देखिए अपने जो तमाम सहयोगी हैं उनको कुछ निर्देश देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है यहां पर और ये तस्वीरें देखिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और ये देखिए नामांकन पत्र सौंपा गया है वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र सौंपा और उसके बाद सिग्नेचर करते हुए तो जमा कहा जाए कि जो पूरी प्रक्रिया है उसको संपन्न करते हुए तस्वीरें और अब ये सीधी तस्वीरें इस वक्त कलेक्ट्रेट से जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं नामांकन करने की तस्वीर, नामांकन करने के बाद की जो प्रक्रिया है वो वहां पर चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ। तो एक बार फिर से लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नामांकन कर दिया है, ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इससे कुछ देर पहले ही नामांकन जुलूस एक कहा जाए विशाल रोड शो जो है वो किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, जहां पर बड़ी संख्या में समर्थक आपने देखा किस तरह से सड़कों पर नजर आए हैं और पूरी तरह से एक जो केसरिया सागर है वो हमें नजर आया है लखनऊ की सड़कों पर। और उसके बाद धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता है और काफिला आगे बढ़ने के बाद ये कलेक्ट्रेट की ओर जो काफिला है पहुंचा और उसके बाद नामांकन की ये प्रक्रिया जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस नामांकन में मौजूद हैं, राजनाथ सिंह का नामांकन जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप भारत समाचार पर देख रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी। संदीप हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप नामांकन की जो प्रक्रिया है कहा जाए वो पूरी हो गई है, नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार को उन्होंने सौंपा है, क्या कुछ अपडेट अब इस वक्त मिल पा रही है, कितनी देर और कहा जाए कलेक्ट्रेट में राजनाथ सिंह रुकने वाले हैं? देखिए बिल्कुल मुझे लगता है क्योंकि अब देखिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई और अब कुछ ही मिनटों में देखिए राजनाथ सिंह जो है वो बाहर निकलने वाले हैं क्योंकि पाठक देखिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं, यानी केशव प्रसाद मौर्य अभी हैं, राजेश्वर सिंह हैं, उनके साथ साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। तो नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, राजनाथ सिंह यहाँ से निकलकर देखिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठेंगे, मुलाकात करेंगे क्योंकि आने वाले समय में देखिए पूरा जो विकास का जो कह सकते हैं कि खाका है उसको यहाँ पर खींचने का भी काम करना है क्योंकि तमाम तरीके की देखिए चाहे फ्लाईओवर की बात करें जो अभी निर्माणाधीन है और उसी के साथ साथ अब तस्वीर किस तरीके की देखिए बनाई जानी है। और देखिए आज जो इन्होंने एक अपना जुलूस निकाला है मुझे लगता है कि एक तरीके से ऐतिहासिक रहा क्योंकि बहुत ही देखिए शांतिपूर्ण रहा, किसी तरीके का ऐसा कोई भी जो बात है वो सामने नहीं है, पुलिस की एक बड़ी जो चुनौती है हालांकि पुलिस के सामने रही लेकिन पुलिस ने सभी व्यवस्थाओं को देखिए यहाँ पर संभाला, हम कलेक्ट्रेट के सामने ही देखिए मौजूद है और बस अब कुछ ही मिनटों में जो है वो राजनाथ सिंह यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं उनके साथ साथ योगी साथ होंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो देखिए जो आंकड़ा है वो कितना रहने वाला है क्योंकि देखिए दिलचस्प जो है वो यही है कि जो जीत का आंकड़ा है वो कितना ज्यादा रहेगा क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से देखिए प्रत्याशी है रविदास मेहरोत्रा हालांकि विधायक के तौर पर देखिए लोकप्रिय है लेकिन इस बार पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, क्या भूमिका उनकी रहती है ये देखना देखिए दिलचस्प होगा क्योंकि सांसद अगर बात करी जाए राजनाथ सिंह की तो जिस तरीके से देखिए इनकी एक लोकप्रियता हो और उसी जो उन्होंने लखनऊ में रहने वालों के लिए देखिए काम किए हैं, आज लखनऊ में देखिए कैंपो कोई दोहराए नहीं है, पूरे फ्लाईओवर का खाका खींचा गया है वो राजनाथ सिंह के निर्देशन में खींचा गया है, कई जो ऐसे फ्लाईओवर जो निर्माणाधीन है अभी हाल ही में आपने देखा कि गोमती नगर में जो अटल बिहारी के रेलवे स्टेशन जिस तरीके से शुरू किया गया और एयरपोर्ट के पास वहां पे किस तरीके से अलग चुनाव बनाया गया तो इन सबके पीछे
राजनाथ सिंह जी हैं वो लगातार दिल्ली से बैठे बैठे यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करते हैं। नामांकन प्रक्रिया जो है वो अभी पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में इसके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ में केशव प्रसाद के साथ में बाहर निकलेंगे और इस दौरान देखिए कोशिश कर जाएगी उनसे बातचीत करने की, क्योंकि यहाँ पे जो अभी तस्वीर है मुझे बता देते हैं कि राजनाथ सिंह बीच है हमारी मतों को क्योंकि कार्यकर्ता को देखिए नेता है, लेकिन जिस तरीके से जो आमजन यानी जो कार्यकर्ता जो बिल्कुल ये जो नामांकन की प्रक्रिया संदीप इस वक्त चल रही है, हम देख पा रहे हैं कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जो प्रस्तावक हैं वो देखिए एक कहा जाए कि बहुत ज्यादा फेमस चेहरे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो प्रस्तावकों के बारे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही है संदीप? आपको बता दें क्योंकि इस समय जैसा देखिए मैं बाहर देख पा रहा हूँ वहाँ पर देखिए योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो प्रक्रिया तो देखिए इस समय चल रही है, प्रस्तावक के तौर पर देखिए उन्होंने भी बनाया है सारे कागजों के लेकर तौर पर पांच लोग देखिए जैसा है कि बताया जाता है कि इस दौरान पांच लोग भी और सामने देखिए खुद जिलाधिकारी हैं यानी सूर्यपाल गंगवार जो है वो वहां पर मौजूद है, राजनाथ सिंह इस समय बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है और ये पूरी जो तस्वीर है वो सामने जो है वो बताई जा रही है किसी भी तरीके की अगर कोई कमी है या जो भी चीजें हैं। तो बस कुछ देर बाद मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह अपना नामांकन करके बाहर निकलेंगे। आप देखिए सूर्यपाल जो गंगवार है लखनऊ के जिलाधिकारी हैं वो किस तरीके से कागजों को देखने का काम कर रहे हैं, तमाम लोग देखिए यहाँ पर समय मौजूद हैं। अब कुछ देर में जब वो नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद वो बाहर आएंगे। विकास जो से यहाँ पर पहुंचे थे वहां पर भी देखिए अभी भी कार्यकर्ता मौजूद है बाहर, अभी भी राजनाथ सिंह के को लेकर नारेबाजी की जा रही है। राजनाथ सिंह यहाँ पर किस तरीके से विजयी हो पांच लाख पार हो इस तरीके के आप देखिए सामने आपको ये तथ्य दिखाई दे रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ है, राजनाथ सिंह है, पुष्कर सिंह भानु के मौजूद है, राजनाथ सिंह देखिए योगी आदित्यनाथ से चर्चा भी कर रहे हैं। अभी चर्चा देखिए एक चुनावी चर्चा भी हो सकती है क्योंकि चांदको पार का जो एक लक्ष्य दिया गया है उसको किस तरीके से आगे लेकर जाना है। अब राजनाथ सिंह का नामांकन देखिए हो चुका है क्योंकि अपनी तरफ से कागजी कार्यवाही हो चुकी है, सामने जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में देखिए सभी को पता है कि लखनऊ के जिलाधिकारी वहां पर मौजूद हैं। एक बार एक ये कहा जा सकता है कि कागजों को देखने का जो काम है वो चल रहा है, जिसके बाद पूरा कार्यक्रम यानी निश्चिंत होने के बाद ही वहां से राजनाथ सिंह बाहर के लिए रवाना होंगे और उसी के साथ साथ नामांकन जो पूरी एक प्रक्रिया थी नामांकन का जो कार्यक्रम था। लेकिन हाँ देखिए आज नामांकन कार्यक्रम के दौरान जो जुलूस निकाला गया है सांसदों मुझे लगता है ये विपक्ष के लिए भी देखिए चिंता का विषय है क्योंकि इतनी भारी मात्रा में देखिए कार्यकर्ताओं का जुटना और उसके बाद एक सफलता पूरे आयोजन को किया जाना किसी तरीके की कोई अभद्रता नहीं, ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर जो पूरे व्यापक इंतजाम किए गए थे, ड्रोन कैमरे से देखिए लगातार नजर रखी जाती है, लगभग 100 जो है वो ऐसे मंच बनाए गए थे जहां से राजनाथ सिंह का स्वागत किया गया, फूलों की होली खेली गई, किस तरीके से जो पूरे कलर होता है उसके अलावा राजनाथ सिंह ने भी देखिए एक एक कार्यकर्ता एक एक स्वागत करने वाले का हाथ जोड़ के उन्होंने अभिनंदन किया, खुद अपने हाथों से फूलों की जो वर्षा है वो करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे रोकथाम की देखिए कमान संभाली क्योंकि बाहर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस तरीके से देखिए लोकप्रियता है, यहाँ की अगर देखिए लोकप्रियता की बात करें क्योंकि मैंने देखा जब वो हजरतगंज से गुजर रहे थे तो तमाम जो शोरूम के कर्मचारी हैं वो अपना शोरूम छोड़ के बाहर चले आए थे देख फोटो का देखने के लिए सेल्फी बनाने के लिए बनाने के लिए। तो आज का दिन मुझे लगता है कि देखिए भव्य और खुद देखिए उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, भव्य बनाने के लिए देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी लगाई, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बुलाया गया, डिप्टी सीएम को बुलाया गया, यानी ये कहा जा सकता है क्योंकि राजनाथ सिंह जी देखिए पूर्व मुख्यमंत्री और अब मुझे लग रहा है कि देखिए जो काफिला है कांचनों को अब बस
कलेक्ट्रेट से खुशी जो की राजनाथ सिंह जी के खड़े हो चुके हैं और अब कुछ ही मिनटों में मुझे लगता है कि काफिला जो है वो बाहर निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अलर्ट जारी हो चुका है और राजनाथ सिंह जी आप देखिए बाहर के लिए अब रवाना हो रहे हैं। यानी जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और सभी नेता बाहर के लिए रवाना हो, अलर्ट जारी हो गया है, पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अलर्ट हो चुकी है। अब कुछ ही मिनटों में यहाँ से राजनाथ सिंह बाहर आएंगे, कोशिश करेंगे कि एक बार अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात हो सके, क्योंकि वहाँ सुरक्षा भी बहुत है और उसी के साथ साथ यहाँ पर भीड़ भी बहुत है। अब अलर्ट जारी हो गया है, गाड़ियों के बाहर निकलने का देखिए जो सिलसिला है वो शुरू है, कुछ गाड़ियां बाहर निकल रही हैं और उसी के साथ साथ यहाँ का जो दिन है मुझे लगता है कि त्योहार की तरह जो है वो आज के दिन को यहाँ पर मनाया जा रहा है। आज का जो दिन है वो मुझे लगता है किसी भी कार्यकर्ता के लिए तो त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि ऐसे हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पर देखिए जुटना जो है कई तरीके से बताता है कि उनके अंदर राजनाथ सिंह को लेकर कितना उत्साह है। हर एक जो वर्ग है वो चाहता है कि राजनाथ सिंह जो है वो भारी मतों से जीत हासिल करें, लेकिन उस दौरान देखिए एक ये भी है कि विपक्ष के लिए भी एक बड़ी ही चुनौती है कि आखिर विपक्ष जो है क्या वो इतनी भीड़ जो है वो जिता पाएगा और उसी के साथ साथ अगर वो भीड़ को जिता पाता है क्या वो जो भीड़ है। जी ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अमेठी से आपको अपडेट देते हैं। इस वक्त नामांकन के लिए निकली है स्मृति ईरानी और